Hello students, welcome back to my channel Way to Success HP. As you know, lesson 4, the monkey and the elephant, is going on. We have completed these 3 questions. इसकी जो रीडिंग है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है. आज हम करेंगे लेसन 4 के वर्ड मीनिंग्स. Let's start. H E A R D heard. L I S T E N E D listened. Heard. इसका synonyms है ये. Means same ही meaning है. Heard और listen. जिसको हिंदी में क्या बोलती है? सुना. ठीक है? एक तो अब हम सुन रहे हैं ना, एक पहले का जो past में है, सुना. L O U D loud. H I G H high P I T C H E D pitched. High pitched, ऊंची आवाज, उसको loud बोल देते हैं. ऊंची आवाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Loud. T R U M P E T trumpet. E L E P H A N T card S elephants. S O U N D sound, हाथी की आवाज. एलिफेंट्स साउंड, हाथी की आवाज. और ट्रम्पेट भी क्या बोलते हैं? हाथी की आवाज को ट्रम्पेट बोलते हैं. ए एफ आर ए आई डी एफ्रेड. एफ्रेड मीन्स डरा हुआ. पी आई सी के ई डी पिक्ड. यू पी अप पिक्ड अप. एल आई एफ टी ई डी लिफ्टेड. यू पी अप लिफ्टेड अप ऊपर उठाया. S H R I E K E D shrieked. C R I E D cried. L O U D L Y loudly cried. Loudly चीखा, जोर से चीखना उसको बोलते हैं. Cried loudly चीखा. D R O W P E D dropped. D O W N down dropped down नीचे कूदे. ठीक है, dropped. ठीक है, कूदे नीचे को. ठीक है, down नीचे. J O L L Y jolly. G O D good. Jolly good. Jolly good means N I C E nice, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुत अच्छा. Jolly good nice, बहुत अच्छा. R I D E ride. Ride means सवारी. जैसे उन्होंने हाथी की सवारी की तो हाथी पे राइड लिया. नेक्स्ट है हमारा पार्ट कॉम्प्रिहेंशन. फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका डब्ल्यू आर आई टी राइट. आई एन इन टी एच द बी ओ एक्स बॉक्स. कहते बॉक्स में लिखना है. राइट मीन्स लिखना, बॉक्स मीन्स इस डिब्बे में. ये डिब्बे को बॉक्स बोलते हैं. ठीक है. टी एफ आर फॉर. फॉर मीन्स लिए. किसके लिए? टी आर यू ई ट्रू. अगर ट्रू है, ट्रू मीन्स सही है, तो हम टी लिखेंगे. ए एन डी एंड एंड मीन्स और. एफ एफ फॉर फॉर. फॉर मीन्स लिए. एफ ए एल एस ई फॉल्स. एफ फॉर फॉल्स. एफ किसके लिए? फॉल्स के लिए, गलत के लिए. फॉल्स मीन्स गलत. एस टी ए टी ई एम ई एन टी एस स्टेटमेंट्स. ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई है, ठीक है, अगर तो वो गलत है तो हम एफ लिखेंगे फॉल्स के लिए, अगर वो सही है तो हम टी लिखेंगे ट्रू के लिए. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टी एच द ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट. डब्ल्यू एस वॉस. वी ई आर वाई वेरी. ए एन जी आर वाई एंग्री. डब्ल्यू एच ई एन वैन. एच ई ही. सी ए एम ई केम. N E A R near. T H E the. T R double E tree. The elephant was very angry when he came near the tree. कहते हाथी बहुत गुस्से में था जब वो ट्री के पास आया. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं. Suddenly they heard the loud sound of the elephant's trumpet. The monkey were afraid. They ran up and down the tree. Soon the elephant came very close to the tree.
ठीक है, इसमें कोई मैं कुछ मेंशन नहीं किया गया कि वो गुस्से में था, ठीक है, या फिर वो खुश था, ये चीज कोई मेंशन नहीं की गई बेटे यहाँ पे, ठीक है। अगर वो गुस्से में होता तो वो मंकी को उठाता और जोर से फेंक देता, बट उसने तो इस लेसन में हमने रीड किया था ना कि उसने मंकी को अपनी पीठ पे बिठा लिया था, तो वो गुस्से में नहीं था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम लिखेंगे एफ, एफ आर फॉल्स। सेकेंड, टी एच द एम ओ एन के ई वाई एस मंकीज एस टी ए आर टी ई डी स्टार्टेड डी ए एन सी आई एन जी डांसिंग द मंकीज स्टार्टेड डांसिंग। कहते मंकीज ने बंदरों ने नाचना स्टार्ट कर दिया। डब्ल्यू एच एन वेन टी एच ई वाई दे एस ए डब्ल्यू सॉ टी एच द ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट वेन दे सॉ द एलिफेंट। जब उन्होंने एलिफेंट को देखा तो उन्होंने डांसिंग करना स्टार्ट कर दिया। यहां पे रीड करिए, द मंकीज वर अफ्रेड दे रैन अप एंड डाउन द ट्री। ठीक है, ऊपर नीचे आने लगे, डांस तो नहीं करने लगे ना, वो डर गए थे और ऊपर नीचे आने लगे, कभी ऊपर चले गए कभी नीचे आ गए। ठीक है बेटे, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। वी विल राइट एफ फॉर दिस। थर्ड, टी एच द ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट डब्ल्यू एस वॉज एच ए डबल पी वाई हैप्पी टी ओ टू एस डबल ई सी टी एच द एल आई डबल टी एल ई लिटल एम ओ एन के ई वाई मंकी द एलिफेंट वॉज हैप्पी टू सी द लिटल मंकी। कहते एलिफेंट था जो वो खुश था, हैप्पी मीन्स खुश था, सी मीन्स देखकर, किसको देखकर, लिटिल मंकी को, छोटे बंदर को। तो हम इसके लिए ट्रू लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वो गुस्से में होता तो वो छोटे मंकी को उठाता और फेंक देता, ठीक है, उसने उसको उठा के अपनी पीठ पे बिठा लिया, इसका मतलब वो खुश हुआ छोटे मंकी को देखकर। तो वी विल राइट टी फॉर दिस। फोर्थ, टी एच ई द एल आई डबल टी एल ई लिटल एम ओ एन के ई वाई मंकी सी आर आई ई डी क्राइड डब्ल्यू आई टी एच वेट एच ए डबल पी आई एन ई डबल एस हैप्पीनेस द लिटल मंकी क्राइड विद हैप्पीनेस। तो यहां पे लिखा हुआ ना, द लिटल मंकी श्रेक्ड विद जॉय, जॉय मीन्स खुशी के साथ, श्रेक्ड मीन्स चीखा, ठीक है, तो ये सही है ना, द लिटल मंकी क्राइड विद हैप्पीनेस, खुशी के साथ वो चीखा, क्राइड मीन्स चीखना, हैप्पीनेस खुशी के साथ। इट्स ट्रू, वी विल राइट टी फॉर दिस। फिफ्थ, टी एच ई द ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट जी ए वी ई गेव अ एफ आर डबल ई फ्री आर आई डी ई राइट टी ओ टू टी एच ई द एम ओ एन के ई वाई एस मंकीज द एलिफेंट गेव अ फ्री राइड टू द मंकीज। कहते एलिफेंट ने गेव मीन्स दिया, फ्री मीन्स बिना किसी पैसे के, मुफ्त में राइड सवारी करवाई उसको, मंकीज बंदरों को, बंदरों को फ्री में राइड दिया था, फ्री में राइड सवारी करवाई थी, ऐसा तो नहीं कि मंकी से कोई पैसे लिए या कुछ और लिया, कुछ भी नहीं लिया, ऐसी पीठ पे बिठा लिया और उसको राइड दे दिया। दिस इज, इट्स ट्रू, वी विल राइट टी हियर। सो स्टूडेंट्स, वी डिड वर्ड मीनिंग्स एंड ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। अभी आपने क्या करना है, ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है, इन वर्ड मीनिंग को अपनी अपनी नोटबुक पे सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, ताकि आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो, ठीक है, और ये वर्ड मीनिंग्स को आपने याद भी करना है, लर्न भी करना है, ठीक है। और ये जो ट्रू फॉल्स है, ये अपनी अपनी बुक पे ऑन पेज नंबर 36, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने बुक पे पेज नंबर 36 खोलना है, और ये ट्रू फॉल्स है बेटे, इनको कंप्लीट करना अपनी बुक पे, ठीक है, और ये वर्ड मीनिंग लर्न करने और अपनी अपनी नोटबुक पे सुंदर हैंडराइटिंग में लिखनी है। और
वन थिंग मोर, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नेक्स्ट वीडियोस को गेट करने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द थंब बटन डाउन द वीडियो. थैंक यू सो मच.